अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि बहुत बहुत देर से आप सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि हाउस टूर दे दें जिस घर में आप रहती हैं। तो मैंने सोचा फाइनली, वैसे तो आप लोगों ने बिट्स में देखा ही हुआ है मेरा घर, क्योंकि अक्सर व्लॉग में आपको पता है हर चीज़ तो कवर हो ही रही होती है, लेकिन एक प्रॉपर वे में मैंने आप लोगों को कभी भी नहीं दिखाया। तो मैंने सोचा कि आज फाइनली रिकॉर्ड कर लूँ। पता, ये हाउस टूर वीडियोज़ रिकॉर्ड करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। उसकी वजह ये होती है कि हर चीज़ इच्छी बिची आपको फ़ोन लेके इतनी लंबी पहले वीडियो बनानी पड़ती है, बंदा थक जाता है। तो खैर, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा पहले बाहर से दिखा देती हूँ लॉन, और उसके बाद फिर हम अंदर चलते हैं। पहले सारी बाहर की चीज़ें देख लो, ताकि मुझे बार बार बाहर ना आना पड़े। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, क्योंकि मुझे पता है हाउस टूर या इस तरह की वीडियोज़ जो है ना, बहुत से नए लोग भी देख रहे होते हैं। तो मैंने सोचा उनको भी रिमाइंड करा दूँ, क्योंकि बाकी जो नॉर्मल रूटीन के व्लॉग्स हैं वो तो आपकी जो अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस है वही देख रही होती है। तो आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, और कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को मेन एंट्रेंस भी दिखा दी है, और यहाँ पर जो है ना, अच्छा वो आप लोग सोच रहे होंगे कि दूसरी जो गाड़ी है वो एक साइड पर क्यों खड़ी है। तो यहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी हुई जो कि पापा ले कर गए हुए हैं, इस वजह से फिर उसको वहाँ पे रखा हुआ है। वैसे तो वो सारा दिन बाहर ही होती है, तो वो लॉन वहाँ पे खाली होता है, लेकिन फिर रात को हम उसको अंदर लगाने के लिए ना, उसकी वही जगह है। और अभी फिर मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये वॉशिंग एरिया टाइप बनाया हुआ है, यानी अगर कुछ कपड़े शपड़े हाथ से धोने हो तो हेल्पर जो है वो यहाँ पर रख देती कह रही हूँ। और उसके ऊपर जो है ना, वो कवर भी किया हुआ है जो आप लोगों ने देखा है उसके ऊपर से, ताकि नीचे धूप वगैरह ना आई, अगर बारिश हो रही है तो उससे भी बचत हो जाए। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तार पे क्या डला हुआ है, तो ये हर देसी घर की कहानी है। ये हम लोगों ने अपने सारे पोछे धुलवा के रोज़ आप लोग कहते हैं ना कि आपके फ़र्श इतने साफ़ क्यों रहते हैं, इतना मतलब जो आपका फ्लोर है वो इतना क्लीन होता है ना कि उसके अंदर मतलब हम मामा हंसती होती हैं कि इतना साफ़ होना चाहिए कि अंदर अपनी शक्ल नज़र आए। वैसे तो शक्ल नज़र नहीं आ सकती, क्योंकि वो शीशा तो नहीं है ना, लेकिन इतना साफ़ होता है ना रोज़ का रोज़ अगर पोछे धुलेंगे ना, तो फिर ही फ़र्श इतने साफ़ होते हैं। तो क्योंकि अगर आप डस्ट और मैल वाली और मतलब मिट्टी वाली अगर आप पोछे उसके ऊपर लगाएंगे ना, टाइल्स के ऊपर, तो फिर उसके ऊपर वो जो है ना, वो निशान पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बाहर से दिखा दिया। यहाँ पर जो लॉन्ड्री एरिया वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो बस अब अंदर चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को जाके, थोड़ा सा नहीं, आज तो पूरे का पूरा ही अंदर से भी दिखाऊँगी। तो बस आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, जो कि मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर वैसे किसी को पसंद आ रही है, जो लोग मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ वॉशरूम, ये हेल्पर्स वगैरह के यूज़ करने के लिए। तो ये बंद था, इसको मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। सिंपल है, वैसे इसमें कुछ दिखाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अब दिखा रही हूँ तो आपको ईच एंड एवरी कॉर्नर जो है वो मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने ना ग्रास जो है वो आर्टिफिशियल, ये नीचे आप लोग देख रहे होंगे, लगाई है, क्योंकि पापा ने इसलिए प्रॉपर लॉन ही बनवाया था कि ग्रास के अंदर से बहुत ज़्यादा जो है ना, वो गर्मियों में कीड़े शीड़े निकलते हैं, तो बच्चों वाले घर में फिर वो मुनासिब नहीं होता, तो पापा ने वो चीज़ कच्चा नहीं रहने दिया लॉन जो है। उसके बाद अब हम एंटर हो चुके हैं, तो आते ही हमारे पास राइट साइड पे है ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम देखते हैं, बहुत सिंपल से, हमने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी और फैंसी चीज़ें नहीं रखी हुई घर पे। और घर पे ये जो फर्नीचर वगैरह ना, ये सब हमने ख़ुद से बनवाए हुए हैं, मतलब ऐसे बने बनाए नहीं लिए थे हम लोगों ने, खुद डिज़ाइन दिखा के फिर बनाए हुए हैं। और ये प्लांटर यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि थोड़ी सी जो है ना, वो ग्रीन वैसे भी जहाँ पे ऐड हो जाता है ना, उस जगह की लुक ही बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है। तो मुझे ये प्लांटर्स बहुत पसंद हैं। यहाँ दरमियान में एक ये टर्किश रग है, और इसके ऊपर जो है वो टेबल्स वगैरह पड़े हुए हैं। बस मैं अब ये आप लोगों को क्या ही दिखाऊं, चीज़ें तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो मुझे इतना कुछ बताने वाला लग नहीं रहा, तो बस आप लोग देखते ही रहें। यहाँ पे हमने कुछ डिकोर की आइटम्स रखी हुई हैं, और ये वाला कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे पहले हमने सोचा था कि ये जो ये पड़ा हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, ये इसका क्या नाम है, केज टाइप कुछ ये है आई थिंक डिकोर का ही, तो प्रॉपर मुझे नाम नहीं पता। तो ये पहले हम लोग ना गोल्ड कलर में लेने लगे थे, लेकिन फिर हमने ब्लैक में ले लिया कि बहुत ही ज़्यादा गोल्डन गोल्डन हो जाएगा, तो इसलिए। तो अब चलते हैं हम लोग बाहर, और मैं आप लोगों को जाके दिखाती हूँ अब डाइनिंग वाला एरिया। ये थोड़ा सा लॉबी मैंने आपको दिखा दी, पहले मैंने पूरे घर की पहले लाइट्स ना एक ही बार ऑन कर ली थी, ताकि मुझे बार बार वीडियो रोक के फिर लाइट्स ना ऑन करनी पड़े, फिर मेरी आसानी हो जाएगी ना वीडियो बनाने में। तो ये हैं स्टेयर्स।
अच्छा, वैसे तो ये टेबल यहाँ पे पड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा होता ये हमें पता है, लेकिन फिर भी इसकी अब कोई जगह नहीं है बॉटल्स वगैरह रखने की। और ये भी हमने लॉन्ड्री के लिए एक बकेट यहाँ पे रखी हुई है कि जो भी हमने कपड़े शपड़े धोने होते हैं ना वो हम इसके अंदर डाल देते हैं और सुबह भी हेल्पर्स धो देती हैं। ये हमने स्टेयर्स के नीचे की पूरा एक वुडन केस बनवाया हुआ है, यानी इसके अंदर कैबिनेट्स बने हुए हैं जिसको हम डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं, यानी स्टोरेज के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है। और ये उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वॉशरूम, तो अभी मैं थोड़ा सा साइड पे होकर दिखाती हूँ। मैं नहीं चाह रही कि मैं शीशों में नज़र आऊँ एक तो हाउस टूर देते हुए इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, हर जगह पे आप नज़र आ रहे होते हैं शीशों में। तो मुझे ये वाला बहुत पसंद है, जो इसका बेसन है ना वो भी मुझे बड़ा क्यूट सा लगता है। जनाब हमारा सिंपल सा डाइनिंग रूम, तो यहाँ पर चलते हैं। ये हम लोगों ने ना ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने है ताकि कोई भी गेस्ट वगैरह हो तो वो डायरेक्ट ड्राइंग रूम, मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक गेस्ट होते हैं ना जिनका बस ड्राइंग रूम तक ही ताल्लुक होता है, वरना तो आपके अपने जो घर वाले होते हैं मेम्बर्स आपकी फैमिली वाले तो वो तो जहाँ मर्जी बैठ सकते हैं। तो ये फिर उनके लिए मज़े का सीन है कि यहाँ पर आओ डाइनिंग पे खाना खाओ फिर ड्राइंग रूम में चले जाओ। तो अच्छा, ये जो डाइनिंग है ना इसके साथ थोड़ा मिसहैप हो गया था क्योंकि जिस तरह से हमने सेलेक्ट किया था बनवाने के लिए इसका कलर वैसा नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने जो कलर पसंद किया था उसकी चेयर्स का कलर थोड़ा चेंज था, लेकिन जब ये आया तो बन के ये बड़ा येलोइश था, तो ये हम लोगों को इतना पसंद नहीं आया। लेकिन फिर पापा ने कहा कि गुजारा करो, हम थोड़ी देर बाद जो है ना इसको या तो करा लेंगे, मतलब कोशिश करा लेंगे और इसका कलर वगैरह यानी पेंट इसका चेंज करा लेंगे, या तो फिर हम न्यू वाला ले लेंगे। तो इसलिए हमने उसको गुजारे के लिए रखा हुआ है। वैसे वो उसकी टेबल बहुत अच्छी है, बहुत मज़बूत बना हुआ है, लेकिन हमें कलर की वजह से वो थोड़ा सा ऑफ लगा था और जिस तरह से फिनिशिंग हमें उसकी चाहिए थी वो वैसी नहीं थी उसकी। तो ये है जी अब टीवी लाउंज, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने एल शेप्ड जो है ना वो सोफ़ा रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर यही अच्छा लगता है और चलते भी आजकल यही हैं। वो देखिए आप लोगों को मेरा ये यूट्यूब का जो बटन है सिल्वर बटन ये नज़र आ रहा होगा, तो ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। ये 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे आपको पता है सिल्वर बटन मिलता है और 10 लाख पे गोल्ड बटन मिलता है, जो कि मेरा बहुत दूर है क्योंकि अभी तो मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो खैर बस जल्दी से आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ये भी हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये है मीडिया वॉल, यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ डिकोर आइटम्स रखे हुए हैं। हमारे घर ना पिक्चर्स एक टाइम पे इतनी ज़्यादा होती थी, आपको याद होगा कि एक टाइम पे ट्रेंड आया था कि कोई बर्थडे है कुछ शादी है कुछ हर किसी ने पिक्चर्स गिफ्ट कर रहे हो ना हर किसी ने, तो हमारे घर इतनी ज़्यादा पिक्चर्स हो गई थी तो वो हमें बड़ी मुश्किल से हमने जो है ना वो अब कवर की हैं। थोड़ी बहुत यहाँ रखी भी हैं लेकिन मुझे यहाँ पे ना पिक्चर्स रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी मामा फिर भी रख देती हैं, मैं उठा उठा के यहाँ से रखती रहती हूँ कि नहीं मामा ये अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़मस्त नहीं पाया हुआ, बहुत इसका भी सिंपल सा रखा हुआ है ताकि ये बहुत खुला खुला सा लगे। ठीक है, अब हम आ गए हैं किचन में, तो वो डाइनिंग से भी इसका रास्ता है, हम लोग किचन में आ सकते हैं और टीवी लाउंज से भी आ सकते हैं। ठीक है ना, और ये किचन का अगर आप लोगों ने कंप्लीट टूर देखना है तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को वो अच्छा लगे तो आप लोग, मतलब आप लोगों ने हर एक चीज़ स्पेसिफिक देखनी हो तो आप जाके उसको देख लेना। मैं एक तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अपने व्लॉग का, ठीक है, और दूसरा मैं अपनी फ्रेंड के भी चैनल का लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप लोग देख लेना, दोनों लिंक डाल दूँगी क्योंकि उस बेचारी के सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने पूरे कर दिए लेकिन वॉच टाइम आप लोगों ने पूरा नहीं किया, तो वो मुझे कहती रहती है यार करा दो मेरा पूरा। तो मैं बस जो है वो आप लोगों को उसका भी लिंक दे दूँगी तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। और किचन मैंने आपको इसीलिए इतना डिटेल में नहीं दिखाया क्योंकि इसके ऊपर मैं पूरी एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, तो फिर वो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। आप लोगों ने ऑलरेडी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब काफ़ी देर से किया उन्होंने देखा होगा। मेरी अम्मी को जो है ना वो क्रॉकरी का बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है, डिनर सेट्स और टी सेट्स और केक सेट्स वो जो है ना अपने पूरे करके रखती हैं। और ये है जी यहाँ पे फ्रिज पड़ी हुई है, साथ में ओवन्स पड़े हुए हैं, ये पूरी वॉल जो है ना ये ऐसे ही सेट। उसके बाद आ जाता है ये रनिंग किचन, ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा क्योंकि हम लोग यहीं पे सारी कुकिंग करते हैं, यहीं पे सारे काम शाम हो रहे होते हैं, तो यही अक्सर आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते रहते हैं।
तो इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ पर जो भी काम है ना, कोई गेस्ट आया भी हो तो आराम से इसका दरवाज़ा बंद कर दो इस किचन का, तो जो वो दूसरा वाला जो है ना वो शोशा किचन कि वो तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ये है कि हम लोग हमेशा इसको भी नीट एंड क्लीन ही रखते हैं वरना बहुत डांट पड़ती है। अच्छा, ये जो सामने स्टोरेज के लिए हम लोगों ने रखा हुआ ना, वो आप लोग देख रहे होंगे, वो जो वुडन के रैक्स हैं, तो वो बस आप लोगों ने इग्नोर करना है क्योंकि हमारे पास फिर चीज़ें रखने के लिए ना हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैंने और मामा ने डिसाइड किया कि यहाँ पर रख देते हैं। तो अब चलते हैं, आपको मैं रूम्स दिखाती हूँ और फिर नीचे वाला पोर्शन जो है वो हो जाएगा कम्प्लीट। ये वॉल मुझे बहुत पसंद है, वहाँ पर मुझे PR में ना एक फ्लावर आया था, वो मैंने वहाँ लगा दिया दीवार पर, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आती मैं उसको उतारूँगी तो वो दीवार के साथ जो है ना वो चिपका हुआ है, तो शायद इससे पेंट ख़राब हो सकता है। तो मुझे बताइएगा कि उसका क्या हल है, अगर किसी को पता है ना, क्योंकि मैंने वो वहाँ लगा तो लिया था वो 3D फ्लावर, लेकिन वो हमारे घर की वाइब के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता, क्योंकि अगर कुछ गोल्डन टाइप चीज़ होती ना ये देखें तो वो फिर अच्छी लगती। अब ये जो रेड और ब्लैक का कॉम्बो है ना वो मुझे नहीं अच्छा लगता। ये मास्टर बेडरूम है जो कि मेरे भाई भाभी का रूम है, और यहाँ फ़िलहाल तो मैं रह रही हूँ क्योंकि वो लोग अभी जापान में हैं, और फिर हम लोग तीन तो घर पे लोग होते हैं तो कभी इधर पड़कते हैं तो कभी उधर, तो इसलिए हमें समझ नहीं आती। मेरा वैसे रूम ऊपर है, लेकिन फिर जब वो लोग जापान में होते हैं तो फिर मैं यहाँ इस रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ क्योंकि सामने मम्मी पापा का रूम है। अच्छा, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन आती है, बहुत मुझे क्वेश्चन आते हैं जब मैं कह दूँ कि ये पापा का रूम है और ये मामा का रूम है। अच्छा, मैं यहाँ भी रह रही हूँ ना, तो इसलिए वो साइड पर मेरे ट्राईपॉड्स और ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो आपने इग्नोर करना क्योंकि इनको मैं अब कहाँ ही रख सकती हूँ यार, मुझे कुछ ना कुछ वीडियो बनानी पड़ती है, तो मुझे रिंग लाइट की और ट्राईपॉड स्टैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खैर, बता ही रही थी कि मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके अम्मी अबू का रूम अलग क्यों है, तो वो सिर्फ उनकी स्टोरेज वगैरह के लिए अलग है। वैसे वो रूम ये नहीं है कि मतलब वो रहते ही अलग अलग हैं, लेकिन रूम्स अलग हैं क्योंकि हम लोग, मैंने बताया ना घर पे इतने से तो लोग हैं, तो फिर हर किसी को अपनी स्पेस चाहिए होती है। मतलब जो नीचे अलमीरा है ना, वहाँ पर सारी मामा ने अपनी चीज़ें सेट की अपने हिसाब से, ठीक है। मेरे पापा को आदत है अपने हिसाब से चीज़ें सेट करने की और रखने की, तो मामा को वो अपने हिसाब से है, तो इसलिए फिर इन लोगों ने बोला कि हमारी जो स्टोरेज है ना, जो कपड़े शपड़े रखना, डॉक्यूमेंट्स रखना, ज़रूरी चीज़ें रखना, वो हम अपनी अलग अलग रखते हैं स्कूल से, और इसलिए जो है ना वो, वरना बहुत आपको पता है मसले भी होते हैं, वो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, तो इसलिए कहते हैं अपनी अपनी चीज़ें खुद ही संभालो। अच्छा, उसके सामने जो है ना मैंने आपको वॉशरूम भी दिखा दिया, सारा बातों में ही गुजर गया। तो ये है मामा का रूम, और इसकी जो वॉलपेपर्स है ना वो थोड़े से हैं ग्रे के टच में, तो इसलिए हमने इसके फिर कर्टन्स और ये सारा बेडशीट जो है ना वो ग्रे की टोन में रखा था। हमने वॉलपेपर्स के हिसाब से जो है ना वो सारा फर्नीचर की वो डिसाइड की थी, क्या कहते हैं, थीम, ठीक है। और यहाँ पर ये मामा का थोड़ा सा एरिया बना हुआ है, ड्रेसिंग एरिया टाइप आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही ये अलमीरा है और साथ में ये मिरर है। वैसे तो मामा को इतना मेकअप का शौक़ नहीं है ना वो करती हैं, तो इसलिए स्पेसिफिक कोई ड्रेसिंग टेबल वगैरह नहीं है, क्योंकि मामा कहती हैं वो मैंने यूज़ तो करना नहीं है, तो वो जगह ही घेरेगा बस, ठीक है ना, मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होती लेकिन ये कि आप लोगों को साथ साथ एंटरटेन भी तो करना है ना, खाली दिखाना थोड़ी है। ये है मेरी मम्मा के रूम का वॉशरूम, ठीक है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अवॉइड कर रही थी कि मैं शीशे में ना आऊँ, लेकिन कहाँ ही बच के जा सकती हूँ मैं। ये ऊपर से भी मैं आप लोगों को सीलिंग वगैरह भी और हर चीज़ प्रॉपरली दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों ने कुछ बनवाना भी है, कोई कंस्ट्रक्शन करानी है, कुछ भी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको आइडियाज़ चाहिए। वैसे तो आजकल हर जगह नए से नया, जदीद से जदीद जो है ना वो डिज़ाइन आ रहा है। इधर से पापा कहते हैं कि इधर से घर बना के फारिग हो तो थोड़ी देर बाद कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं, फिर उसके उसको बनाओ तो फिर ऐसे लगता है अब ये पुराना हो गया, अब ये वाला डिज़ाइन बनाना चाहिए। तो अब चलते हैं ऊपर, मैंने आपको नीचे का सारा घर जो है वो कवर कर लिया, ऊपर वाले पोर्शन में जाके आपको दिखाती हूँ। स्टेयर्स में भी हमने जो है ना वो सामने प्लांटर रखा हुआ है, क्योंकि ग्रीन ग्रीन चीज़ें घर की लुक में चार चांद लगा देती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसकी घर की लुक को इन्हेंस कर देती हैं। तो ये जनाब, जब हम ऊपर आते हैं तो ये सामने वाली वॉल है, ये इसकी डोम है, और अब मैं आपको ऊपर का सारा पोर्शन दिखाती हूँ। पहले पापा के रूम में जाते हैं। अच्छा, अब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि पापा का और मामा का रूम अलग अलग क्यों है, तो वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये पापा ने अपनी ये शू रैक जो है ना ये यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि इसकी कहीं जगह समझ नहीं आ रही थी, तो ये देखें। और अब हम चलते हैं, ये पापा का रूम है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया हुआ है अपने व्लॉग्स में, आप लोगों ने देखा ही होगा। और यहाँ पर हमने पहले वो चेयर्स भी रखी हुई थी, लेकिन वो टू मच हो रहा था ये, तो बस
जो घर जिसमें आप रह रहे होते हैं हर चीज आप उठा उठा के नहीं रूम टूर दे सकते, तो जो चीज जैसे पड़ी है मैं बिल्कुल रोज आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये हैं कर्टन्स, तो यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेरेस का भी व्यू देती हूँ बाहर का। आज धूप भी जो है ना वो शदीद किस्म की लगी हुई है, यहाँ पे 45-46 टेम्परेचर है आजकल, अल्लाह बहुत गर्मी है। तो ये देखें ये बाहर का व्यू है, इस टाइम बहुत ज़्यादा धूप है। मुझे ना शाम को वैसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन इस टाइम ये कि लाइट वगैरह अच्छी होती है तो अच्छे से ज़रा रिकॉर्ड हो जाएगा। ये देखें जनाब, ये आप लोगों ने ऊपर से भी देख लिया पूरा, बाकी ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वॉशरूम। तो ये बाबा ने यहाँ पर जो है ना वो टेबल रखा हुआ है फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, और ये है वॉशरूम। तो वॉशरूम में एंटर होते ही ये सामने जो है ना ये वार्डरोब आती है, दोनों साइड्स पे है। ये देखें मैं इधर से भी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें ये है इसका पूरा लुक। और फिर ये है सारा वैनिटी का एरिया, और वो है पीछे शावर एरिया। सो आई थिंक बस इतना ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की प्राइवेसी होती है। तो यहाँ से अब चलते हैं, तो सामने में अच्छा मैंने पहले ना सारे घर की लाइट्स एक ही बार ऑन कर ली थी ताकि मुझे बार बार ना करनी पड़े। तो ये आ जाता है ऊपर का टीवी लाउंज का एरिया, इसको हमने बस नॉर्मल सा ही सेट किया हुआ है। और ये पीछे हमारे फ्रीजर वगैरह पड़ा हुआ है, ये ओपन किचन है ऊपर का, ये मैं आपको थोड़ा सा करीब जाके दिखाती हूँ। तो ये वाला किचन जो है ना वो यूज़ में नहीं है, ये बस हम लोगों ने ऐसे ही ऊपर अगर कभी हमें कुछ करना पड़ जाए ये रखा हुआ स्टैंड, ताकि अगर बर्तन को यूज़ किया तो हम लोग यहाँ पर धो के उसको रख सकें। और बाकी तो इस तरह से सिंपल ही है ये। थोड़ा सा फिर हमने इसको डिकोर किया हुआ है, यहाँ पर ये प्लांट वगैरह ऐड कर दो ना आप घर पर तो वो बड़ा मज़े का फ्रेश फ्रेश सी वाइब आती है। और ये है इसकी मीडिया वॉल, और ये जो पिक्चर्स घर पे लगी हुई थी ये हमने यहाँ, उसके बाद क्योंकि हमें कोई ना स्पेस नहीं मिल रही थी कि हम इनको कहाँ पे रखें। और पापा जो है ना वो बिल्कुल भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि आपने दीवारों पे कील नहीं ठोकने तो फिर हमने इनको यहाँ पे रख दिया। और ये देखें यहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे जो है ना वो डिकोर आइटम्स ऐड कर दिए हैं। और अब चलते हैं मेरे रूम में, जो कि आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा हुआ है। तो ये है मेरे रूम की ओवरऑल लुक, यहाँ पर ये सोफ़ास पड़े हुए हैं और वो एक फुल लेंथ मिरर है, उसके आगे ये रग पड़ा हुआ है, वो मेरा ड्रेसिंग एरिया है, ये बेड एरिया है और बेड एरिया ये बेड है। और यहाँ पर जो है ना मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कपड़े वगैरह रखने की, मेरी जो वार्डरोब है ना वो वॉशरूम में ही है। तो जनाब ये है मेरा वैनिटी एरिया, वो है शावर एरिया, ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऊपर से भी इसका व्यू दिखा देती हूँ, एक मिनट मैं लाइट्स भी ऑन कर लूँ ना, ये देखें ठीक है। अब मैं आप लोगों को अपना वार्डरोब एरिया दिखाती हूँ, वो तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा ये भी देखा होगा क्योंकि मैं अपना रूम ही अक्सर मेरे ब्लॉग्स में नज़र आ रहा होता है। तो मेरे पास ना इतनी सी वार्डरोब थी तो जो कि इनफ नहीं थी, इसलिए मैंने वो बाहर भी रखी हुई है, आप लोगों ने अभी देख ली होगी। बाकी ये वार्डरोब का जो टूर है ये मैं अलग से दूंगी कि मैंने किस तरह से अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, किस तरह से मैंने कपड़े रखे हुए हैं, तो ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया हुआ है तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं कर रही हूँ। अभी चलते हैं, मैं आपको बच्चों वाला रूम दिखाती हूँ, वो बहुत सिंपल है। उसकी वजह यही है कि बच्चे जो है ना खेलते कूदते हैं तो हमने ज़्यादा फर्नीचर या इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं की। यहाँ पर खेलेंगे ना, जंप करें जो मर्जी करें तो उनको इतनी चोट वगैरह नहीं आएगी, तो इसलिए ये हमने ऐसे रखा। यहाँ पर कोई बेड शेड नहीं है, ये जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे ना अपनी मर्जी से जिस तरह का फर्नीचर उनको चाहिए होगा, जिस तरह का उन्होंने डिकोर करना होगा वो अपनी मर्जी से करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा। ये पापा के रूम में कुछ एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी चेयर्स वो हमने निकाल के यहाँ पे रख दी हैं, क्योंकि अभी बच्चे यहाँ पे नहीं है। जब बच्चे होते हैं ना तो हम कोई भी फर्नीचर ऐड नहीं करते, यहाँ इस रूम में सिर्फ ये मैट्रेस ही बिछाए होते हैं ताकि यहाँ पे जितना मर्जी खेले। और इनके सारे टॉयज जो इस रूम में थे ना वो हमने उठा के तो वो स्टोर रूम में रख दी हैं, मैं आपको स्टोर रूम भी दिखाती हूँ। तो ये है जनाब स्टोर रूम, और इसके अंदर भी हम लोगों ने वार्डरोब बनवाई हुई क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक बार मैं लाइट्स ऑन कर लूँ। तो ये देखें यहाँ भी हमारी सारी चीज़ें पड़ी हुई, ये कार्टन्स भर भर के हम लोगों ने बच्चों के जो है ना वो खिलौने रखे हुए हैं, इसके अंदर सारे टॉयज़ हैं। और ये देखें कुछ जो हमारा वादू का टू सामान है वो यहाँ पड़ा हुआ है, और ये स्टीमर भी यहाँ पड़ा हुआ है, स्टीम आयरन। और साथ में इसके अंदर भी हमने वो वाली चीज़ रखी हुई, टक्कर होगी
इसके अंदर भी हम लोगों ने वो चीज़ें रखी होती है, अगर कुछ कपड़े हैं अनस्टिच तो के अभी सिलवाने हैं वो, और बिस्तर वगैरह और सारी इस तरह की चीज़ें पड़ी होती है, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं वॉशरूम देखते हैं। अच्छा ये बच्चों की वार्डरोब है, इसमें भी भाभी ने बच्चों के कुछ और कुछ हमने अपना फैंसी स्टफ रखा हुआ है। ऑब्वियसली अभी ये बच्चों के यूज़ में नहीं, बच्चे भी बहुत छोटे हैं और वैसे भी अभी वो जापान है तो जब वो आ जाएंगे तो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी इसको डेकोर करेंगे, इसलिए हमने इसको बहुत मिनिमल रखा है इस रूम को। ये है वॉशरूम। तो वॉशरूम आप लोग यहाँ से देख लें, मैं हर वीडियो में ना शीशों में नज़र आ रही हूँ इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो ये है वैनिटी एरिया और ये पीछे शावर एरिया है, ठीक है। तो बस अब चलते हैं बाहर। इसका ऊपर बिल्कुल ये सिंपल है, आई रियली लाइक दिस वन, ये मुझे बहुत पसंद है। इस तरफ से तो मैंने आप लोगों को दिखाया है, यानी जो टीवी लाउंज का एरिया है। तो यहाँ पे ना अभी हमने ये कर्टन ऐड करना है इस वॉल पे ना, वरना इस विंडो से इतनी ज़्यादा रोशनी आती है ना। तो अभी तक हमारा ये इतने देर से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसके कर्टन भी ऐड नहीं किए। अभी बाहर चलते हैं, थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो ये है जनाब हमारा टेरेस, और यहाँ से हम लोगों ने ना कुशन्स वगैरह इससे उठाए हुए हैं इस स्विंग से, क्योंकि अब यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, बच्चों के साथ ही हम लोग यहाँ पर आते होते थे। और ये कुछ पौधे शौधे मामा ने लगाए हुए हैं, ये पनीरी शनीरी पता नहीं किस चीज़ की लगी हुई है, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये मामा ही सारे काम करती हैं इस तरह के, मतलब करता तो माली है लेकिन मामा को पता होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ लगी हुई है। तो ये जी सारा मैं आप व्यू दिखा देती हूँ एक बार ऊपर का भी, और वो भी हमारा एक एरिया है, वो उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये भी हमारा स्टोर है जिसमें मैंने बताया ना, अम्मियाँ जितनी मर्जी चीज़ें ले लें लेकिन जो उनको अपनी पेटियों से और बिस्तर से और इन चीज़ों से प्यार होता है ना, वो नहीं उनका ख़त्म होने वाला। ये देखें ये अब खुल नहीं रहा क्योंकि पीछे भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखें यहाँ पे बच्चों के ये सब चीज़ें, टॉयज साइकिल्स एंड ऑल, और ये सब पेटी शेटी यहाँ पड़ी हुई है। तो बाहर चलते हैं, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। यहाँ से एक बार आप लोगों को फुल दिखा देती हूँ। और ऊपर का जो फर्नीचर है ना, वो ज़्यादातर हमारे पुराने घर का, हमने वही ऊपर रखा है, इतना ज़्यादा ऊपर के पोर्शन पे हमने खर्चा नहीं किया, नीचे का सारा फर्नीचर न्यू है। सो आई होप दैट यू लाइक टुडेज़ व्लॉग। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।